बहू अनामिका नेक नियत से और बहुत प्यार से लोगों से बातें करती थी। हर दिन शाम को तरह तरह का स्वादिष्ट पिज्जा बनाकर पिज्जा का व्यवसाय सफलतापूर्वक चला रही थी। ऐसा करके सास ससुर शारदा प्रसाद, पति रमेश, बच्चे हरीश और भव्या का देखभाल किया करती थी। एक बहू पत्नी और माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही थी और बहुत स्नेह से सबका दिल भी जीत ली थी। उस दिन करीबन सुबह के 9 बज रहे थे। वो दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है। फिर जब वो स्कूल के लिए निकलने ही वाली होती है, तभी शारदा एक कागज और कलम लेके हॉल में आती है। सासू माँ, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ। रोज रोज उतना दूर जाने की क्या जरूरत? ऑटो वाले को 2000 रुपए देने से वो घर से लेकर भी जाएंगे और शाम को छोड़ के भी जाएंगे। वो तो सही है माँ जी, पर अगर मैं बच्चों को ले जाती हूँ तो थोड़ा चलना फिरना भी हो जाएगा, स्वास्थ्य का ख्याल भी रख लेंगे और बच्चे ठीक से स्कूल जा रहे हैं इस बात की संतुष्टि भी होगी। बातों में तुमसे जीतना मुश्किल है बहू। जाओ बच्चों को जल्दी स्कूल छोड़ के घर लौट आओ, फिर लौट के तुम्हें अपने पिज्जा के व्यापार के काम में भी तो लगना है। ठीक है माँ जी, बच्चे दादी माँ को बाय बोलो। बच्चों को इस तरह कहने पे बच्चे भी दादी को देखकर कहने लगते हैं, दादी बाय। बाय बाय दादी। बाय कहने के बाद बच्चों को लेकर अनामिका घर से बाहर आ जाती है। सोफे पे बैठ के शारदा अपना नोटबुक खोलती है और उसमें लिखती है कि मेरी बहू बहुत अच्छे इंसान है। तब तक शारदा के पास प्रसाद आते हैं। शारदा ने ये गौर नहीं किया, वो तभी भी लिखी जा रही थी। प्रसाद ये देख लेते हैं। अरे वाह वाह शारदा, सुंदर कांड के तरह तुम अनामिका कांड लिख रही हो क्या? उनके ऐसे कहने पे शारदा गुस्से से उन्हें देखती है। आपने देख लिया? लगा था आपको पता नहीं चलेगा, पर आपने देख ही लिया। हाँ जी, मैंने सोचा अपनी बहू का नाम 1 करोड़ बार लिखूंगी, इसीलिए लिख रही हूँ। आपको या बहू को कहूंगी तो आप लोग हंसेंगे, इसलिए नहीं बताया। एक बात बताओ, तुम बहू से इतना प्यार क्यों करती हो? हमारी बहू जब इस घर में आई तो हमारी कितनी तकलीफें और दिक्कतें थी। उसकी माँ ने कहा था उसे कि वो अपने मायके में जाके उनके साथ रहे, पर वो नहीं गई। वो हमारे साथ ही खड़ी रही, वो हमारे साथ ही रह गई। उसे पिज्जा बनाने आता था, वो पिज्जा बना के बेची और अपना व्यापार शुरू की, उससे अपने परिवार और बच्चों का देखभाल की। प्रसाद को भी ये सच्चाई अच्छे से पता था, इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। शारदा फिर अपने नोटबुक में अनामिका का नाम 1 करोड़ बार लिखने में लग जाती है। बच्चों को स्कूल में छोड़ के आके अनामिका हर दिन अपने व्यापार के लिए पिज्जा की तैयारी करने लगती थी और यह सब करते करते शाम हो जाती थी। शाम में बच्चों को लेने के लिए शारदा जाया करती थी। अनामिका रमेश पिज्जा का सारा सामान लेके अपने स्कूटर से गांव के बीचों बीच अनामिका पिज्जा सेंटर खोलने चले जाते थे। वहां जिन्हें भी पिज्जा खाना होता था, अनामिका उन्हें पिज्जा बना के खिलाती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन जब अनामिका रमेश के साथ स्कूटर से पिज्जा सेंटर जा ही रही थी, उसके सेलफोन की घंटी बजती है। फिर वो अपने स्कूटर को सड़क किनारे ले जाके रोकते हैं, मोबाइल निकाल के देखते हैं तो एक नया नंबर था। कौन हो सकता है, ये सोचकर वो फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? दूसरे तरफ पेड़ के नीचे बैठा हुआ सतीश चंद्र नाम का सिनेमा के प्रोडक्शन मैनेजर बात कर रहा था। हेलो, अनामिका पिज्जा सेंटर? हाँ सर, बताइए कितना पिज्जा चाहिए और कब चाहिए? देखिए, मैं सिनेमा प्रोडक्शन मैनेजर सतीश बोल रहा हूँ। मुझे 100 पिज्जा की जरूरत है, वो भी शाम के 6 बजे तक। आपसे अगर पिज्जा हो सके तो ठीक है, नहीं तो मैं कहीं और ऑर्डर दे दूंगा। नहीं नहीं सर, मैं बना के दूंगी। एक एक पिज्जा लेकिन 100 रुपए के होंगे, पूरा 10,000 लगेगा। अगर आप थोड़े एडवांस दे देंगे तो मैं पिज्जा बनाना शुरू कर दूंगी। मैं अपना एक लड़का भेजता हूँ, आप देर ना करते हुए पिज्जा बनाना शुरू कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने फोन रख दिया। अनामिका बहुत खुश हो जाती है। ये खबर अपने पति को बताने के लिए जल्दी से स्कूटी पे जाके वो स्कूटी स्टार्ट करती है। रमेश पूरी बात सुनता है और फिर थोड़ी देर में ही वो पिज्जा सेंटर पहुंच जाते हैं। हमें बहुत अच्छा मौका मिला है ना जी? इतना सारा तुम कैसे बना के दोगी? तुम कह सकती थी ना कि वो किसी और को ऑर्डर दे दे। अरे हम क्यों नहीं दे सकते, आप ही बताइए, इतना अच्छा मौका मिला है, हमें इस मौके का अच्छे से लुत्फ उठाना चाहिए। वो तो सही है अनामिका, पर 100 पिज्जा का आटा
और साथ ही साथ बाकी चीजों को बनाने में हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे। फिर हम उन्हें कब बनाएंगे और कब जाके उन्हें देंगे। उसकी बातें सुन के अनामिका सोच में पड़ गई। उसे पता था कि उसके पति सही कह रहे हैं, पर ऐसा मौका वो छोड़ना नहीं चाह रही थी। इसीलिए अनामिका बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद अनामिका को एक बहुत अच्छी तरकीब आती है। फिर देर ना करते हुए जल्दी से वो अपनी परिकल्पना रमेश को बताती है। देखो, ये बहुत अच्छी तरकीब तो नहीं है, इसे लालच भरी सोच कहते हैं। अरे, इसे लालच वालच कुछ नहीं कहते, ना ही खराब उद्देश्य, परिस्थिति के तहत कदम उठाना कहते हैं। पिज्जा के आटे में तुम चाहती हो सूजी मिलाना, मिर्च पाउडर के जगह कुमकुम मिलाना और चीज के जगह इरेजर, इसे लालच नहीं तो और क्या कहते हैं अनामिका। आप यहाँ रहेंगे तो मुझे काम करने नहीं देंगे, आप यहाँ से जाइए। तो वो रमेश को वहाँ से भेज देती है। रमेश के जाने के बाद वो पिज्जा के आटे में जाके सूजी मिला देती है, मिर्च पाउडर के जगह सिंदूर मिला देती है, चीज के बदले इरेजर घिस के वो पिज्जा बना देती है। ऐसे ही समय निकल गया। 2 घंटे के बाद सतीश चंद्रा ने जैसा कहा था वैसे ही वो अनामिका को फोन करता है। ये देखकर अनामिका खुश होकर मन ही मन कहने लगती है, लगता है अपने लड़के के हाथों में पैसे भेजने के लिए उन्होंने मुझे फोन किया है। ऐसा सोचकर अनामिका फोन उठाती है। हाँ, कहिए सर। सॉरी मैडम, 100 पिज्जा का कैंसिल ऑर्डर करना पड़ेगा, शूटिंग पोस्टपोन होने की वजह से हम जा रहे हैं। ये सुनकर अनामिका मानो शॉक में चली जाती है। वो कहकर फोन रख देते हैं। बस लालच की वजह से उसने सब कुछ खो दिया, ये सोचकर वो अब रोने लगी। रमेश को जब पता चला वो अपनी पत्नी को समझाता है। उसके बाद से अनामिका ने कभी भी लालच नहीं की। पूरे ईमानदारी के साथ वो ऑर्डर लेती थी और जो उसके पास आता था उसी को सामान बेचती थी। इस तरह धीरे धीरे उसने बहुत नाम कमाया और फेमस हो गई। और इस तरह धीरे धीरे ईमानदारी के साथ काम करके उसने आसमान की ऊंचाइयां छू ली। वो शारदा का घर था। अनामिका पहली बार शारदा के घर में पाव रखी थी। शारदा अपने बेडरूम में बैठ के अपनी बेटी श्रवंती के साथ बातचीत कर रही थी। आज्ञाकारी बन के अनामिका वहाँ पर आती है। शारदा थोड़ी तेज आवाज में गुस्से से कहने लगती है, क्या बात है, यहाँ आई हो? इस तरह से चिल्लाते देख अनामिका घबराते हुए कहने लगती है, वो सासुमा, आज खाने में मैं क्या पकाऊं? मुझे दाल पसंद नहीं, कुछ साग सब्जी बनाओ। कौन सी सब्जी बनाओ माँ जी? बिस्तर के नीचे एक टोकरी है, उसमें सब्जियाँ है, तुम जाके देख लो। शारदा की बातें सुन के श्रवंती हंसने लगती है। इस बात से अनामिका कंफ्यूज हो जाती है। फिर शारदा कहती है, फ्रिज में जाके देखो, अगर मिर्च या नमक कुछ भी ज्यादा हुआ मैं नहीं मानूंगी। सब कुछ बिल्कुल समान मात्रा में देकर बनाना, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना। शारदा अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके अनामिका को गुस्से से देखने लगती है। अनामिका बहुत डर जाती है, वो भागते हुए हॉल से बाहर निकल आती है। फिर अपनी माँ शारदा से श्रवंती कहती है, हाय भगवान, माँ पहले दिन ही आप भाभी को ऐसे डरा रही है। भाभी को इस तरह से रोते देख मैं तो बहुत घबरा गई थी। कहाँ घबराई, जरा बताओ, मैं तो देख रही थी। भाभी को इस तरह डरते देख तुम मुस्कुरा रही थी। हाँ, मुझे हंसी आ रही थी, पर पहले दिन ही इस तरह से क्यों डरा रही हो माँ? हर एक बहू को अपनी सास से डरना चाहिए। पता नहीं आज आप क्या क्या बात कर रही है। श्रवंती ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। उस रात रमेश और अनामिका को एक कमरे में भेज दिया जाता है। पुजारी जी ने कहा था कि शुभ मुहूर्त में उन दोनों को एक साथ समय बिताना चाहिए। रमेश और अनामिका प्यार से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उस कमरे के अंदर का वातावरण बहुत ही सुहाना था, लेकिन उस कमरे के बाहर हॉल का वातावरण बहुत ज्यादा गर्म था, और यही वजह थी कि शारदा गुस्से से सोफे पे बैठी हुई थी। तभी शारदा के पति प्रसाद वहाँ पे आते हैं और आकर अपना हाथ शारदा के कंधे पे रखते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि मानो उन्होंने अपना हाथ किसी गर्म चूल्हे पे रख दिया हो। क्या बात है, इतनी गर्म क्यों हो? जैसे ही उन्होंने कहा, उन्हें बेटे और बहू की हंसने की आवाज सुनाई दी। तब जाके उन्हें पूरी बात समझ में आ जाती है कि आखिर में शारदा गर्म क्यों है। बेटा बहू खुश है, बेटे की खुशी के लिए ही तो हमने बहू को इस घर में ले आया है, इस बात से तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? इस घर में शादी के लायक एक लड़की है, अगर ये बात कोई भूल जाए तो आपको इस बात से अच्छा लगेगा। बेटी ने कहा था कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके बेटे की शादी कराई,
ऐसा तक कि रमेश ने भी कहा था बहन की शादी के बाद ही शादी करेगा। जब श्रवंती ने कहा तब जाके रमेश ने अनामिका को ब्याह के घर ले आया। वो छोटी बच्ची है, उसे कुछ नहीं पता। अगर ये लड़का अपनी बीवी के साथ मौज मस्ती करेगा तो क्या उसकी बीवी उसकी बात कभी सुनेगी? आप ही बताइए। जब शारदा ऐसा कहती है फिर प्रसाद बिना कुछ कहे वहाँ से सीधा बेटे के कमरे के दरवाजे के पास जाकर कहते हैं, बेटा हमने दरवाजे को बाहर से लगा दिया है, हंसी मजाक बात करके समय बर्बाद मत करो, अच्छे से मजे कर लो। प्रसाद कहते हैं। प्रसाद की बातें सुन के रमेश और अनामिका की हंसी रुक जाती है। ठीक है पिताजी, वो कहता है। फिर रमेश और अनामिका सो जाते हैं। प्रसाद वहाँ से शारदा के पास लौट जाते हैं। चलो शारदा, बेटी सो गई है, हम भी जाके सो जाते हैं। भाई की नई नई शादी हुई है, हमें बेटी को ये बात समझाना होगा। क्या समझाओ, आप ही बताइए कि तुम्हारी भाई की पत्नी अगर जोर जोर से रोए तो तुम अपना कान बंद कर लेना। नहीं शारदा, उसे समझाओ कि भाई ऑफिस से लौटते वक्त अगर फूल मिठाई या कोई तोहफा लाके भाभी को दे और तुम्हें ना दे तो इस बात को लेके भाई से लड़ना मत। अगर भाई या भाभी अपने में बातचीत कर रहे हैं तो उनके बीच में जाके उन्हें परेशान ना करे, उन्हें अकेला छोड़ दे। तुम अपने कमरे में जाके अपना काम करना। बहुत हो गया, शाम भाभी ने पहले दिन ही कह दिया कि बहू को हमें रीति रिवाज के नाम पे वश में रखना है, उसे अनुशासन में रखना होगा ताकि आवाज सुन के ही वो डर के मारे भाग जाए। गुस्से में शारदा की ये बात सुन के प्रसाद समझ जाते हैं कि इसे समझाना बेकार है, इसीलिए वो अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर वो रात बीत गई। सुबह के जब 4:30 बज रहे थे शारदा रमेश के कमरे के पास आके उसके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती है। आवाज सुन के घबरा कर अनामिका नींद से उठ के जल्दी से आके दरवाजा खोल देती है। देखती है गुस्से से आग बगुले की हालत में सास खड़ी है। उन्हें देखकर घबराते हुए अनामिका कहती है, कहिए सासू माँ। सुबह हो चुकी है, 10 मिनट में ठंडे पानी से नहा के बाहर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर वो फिर से दरवाजा बंद कर लेती है। शारदा कम्बल ओढ़ के बाहर खड़ी हो जाती है। अनामिका नहा धो के बाहर आती है, बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। नहा धो के आ गई, जाओ पानी छिड़क के अच्छे से रंगोली डालो। इतनी ठंड में क्यों माँ जी, सुबह होने के बाद मैं कर दूंगी। पहले दिन से ही बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, जो कहा वो करो। आज से ही हर दिन इसी समय सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा के आंगन में झाड़ू लगा के पानी छिड़क के रंगोली दोगी, नहीं तो मेरे हाथ में जो छड़ी है उससे मेहनत करनी पड़ेगी। उनकी बातें सुन के डर के मारे अनामिका जल्दी से झाड़ू उठा के पूरा आंगन झाड़ू लगाने लगती है, फिर पानी छिड़क के रंगोली देती है। छोटा रंगोली देखकर शारदा को गुस्सा आ गया। वो जल्दी से एक बाल्टी पानी लेके अनामिका जो रंगोली बनाई थी उसके ऊपर ले जाके डाल देती है। बाल्टी के पानी से पूरा रंगोली बह जाता है। अनामिका बस खड़ी खड़ी देखती ही रह जाती है। आंगन में इतना छोटा रंगोली कोई देता है क्या बहू? आज आंगन में इतना बड़ा रंगोली होना चाहिए कि देख के आँख जगमगा उठे, नहीं तो तुम्हारे एक दांत नहीं बचेंगे। ऐसा कह के शारदा वहाँ से चली जाती है। फिर डर के मारे आंगन में अनामिका एक बड़ा और खूबसूरत सा रंगोली बनाती है। शारदा एक छड़ी लेके सामने खड़ी रहती है। बहू अनामिका भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंगोली बना देती है। बाद में जाके वो जल्दी जल्दी किचन में रखे सारे बर्तन धो देती है और कपड़े धोने के लिए कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने लगती है। शारदा वहाँ भी छड़ी लेकर पहुँच जाती है और कहती है, सारे कपड़े वॉशिंग मशीन से बाहर निकाल के उन सारे कपड़ों को एक एक करके अपने हाथों से धोने के लिए। शारदा बहू अनामिका को इस तरह से डराती धमकाती है, उससे घर का सारा काम काज करवाती है। और इस तरह ससुराल में कदम रखते ही बहू अनामिका का पहला दिन कुछ ऐसा बीता।